हेलो हेलो जी हाय गाइस, दिस इज ईशान एंड यू वाचिंग भाई का यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे बिल्कुल मेरी तरह। और आज भाई की एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल कुछ अलग ही लेवल की नहीं लग रही है। तो भाई लोग, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि ये राइड होने वाली है मेरी एनफील्ड पे लास्ट राइड, क्योंकि मैं कर रहा हूँ उसे सेल। और ब्लॉग में इसे डालने का कोई इरादा नहीं था, पर कल मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक अपडेट डाला था, स्टेटस डाला था कि लास्ट राइड ऑन माय बुलबुल। तो कई भाई लोगों के मैसेज आए कि भाई क्यों सेल कर रहे हो ये वो, तो सोचा इसे ऐड कर लेते हैं। तो भाई मैंने एक नई बाइक लेने का प्लान करा है और उसके लिए मुझे सेल करनी ही पड़ेगी। दिल तो मेरा भी बहुत दुख रहा है, मन नहीं कर रहा सही बताऊं इसे देने का, पर ये जाएगी तो ही नई बहू आएगी आप लोगों की। तो पॉजिटिव रहो, जो होगा सब अच्छा होगा। तो अब दिखाता हूँ आपको अपनी बुलबुल कैसे सजा रखी है मैंने लास्ट राइड के लिए, और उसके बाद दिखाता हूँ क्या क्या सामान मैं कैरी करने वाला हूँ। और ये राइड होने वाली है 2 दिन की, तो ज्यादा सामान रखेंगे नहीं, पर फिर भी मेरे 3-3 बैग बने पड़े हैं, क्योंकि कपड़े तो 2 ही हैं, पर व्लॉगिंग करने के लिए इतना सारा सामान है कि 1 बैग पूरा नहीं पड़ रहा था। और एक मुझे अपना पर्सनल कैरी करने के लिए चाहिए ही चाहिए, जिसमें कि मेरा सारा कैमरा वगैरह आ जाएगा। तो अब दिखाता हूँ आपको अपनी बुलबुल और उसके बाद दिखाता हूँ क्या क्या सामान मैं कैरी कर रहा हूँ। तो चलो, तो ये रही अपनी बुलबुल। और लाइफ में पहली बार साइड व्यू मिरर्स मैंने लगा रखे हैं, वो भी अपने फ्रेंड से बोरो करके, क्योंकि जाना पहाड़ों में है तो वहाँ पे आँखें चारों तरफ रहनी चाहिए, आगे पीछे हर तरफ। और उसके साथ लगा रखे मैंने तिब्बतियन फ्लैग्स, और जो कि बहुत सही लग रहे हैं, मेरे को तो सही लग रहे हैं, बाकी आप लोग कमेंट से बता देना कैसे लग रहे हैं। तो अब चलते हैं और दिखाता हूँ क्या क्या सामान मैं कैरी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बटुए में गांधी जी भर रखे हैं बहुत सारे, ताकि कहीं तकलीफ ना हो हमें, क्योंकि गांधी जी का सिक्का चलता है पूरे देश में। और उसके साथ गोप्रो, जो कि बहुत ज़रूरी है, और सामान वगैरह बांधने के लिए रस्सी रख रखी है, रात के लिए LED लाइट रख ली है, ट्राईपोर्ड रख लिया है बड़ा वाला, छोटे वाले 2 रख लिए हैं, एक मोनोपोर्ड रख लिया है, कुछ अटैचमेंट्स रख लिए हैं, LED की बैटरी रख ली है, और गोप्रो की बैटरी रख ली हैं, और वाइड एंगल लेंस रख लिया है फ़ोन का, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बिना तो जा ही नहीं सकते भाई, तो ये भी रख ली है। और बैग ले जा रहा हूँ मैं, एक अपने पास रखने के लिए ये वाला, और एक टांगने के लिए छोटा वाला, और जो मेन रहेगा जिसमें सारा सामान और कपड़े वगैरह रहेंगे वो पड़ा नीचे। अच्छे बच्चों की तरह बिना बकचोदी करे पैकिंग करते हैं सामान के, और फिर खाना खा के सो के मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल। यो यो यो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5, और मैं जा रहा हूँ हापुड़ चुंगी, वहाँ पे सब असेंबल होंगे, फिर वहाँ से होगी राइड स्टार्ट आफ्टर ब्रीथिंग। तो शिव जी का नाम लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं राइड को, आई होप सब अच्छा ही जाए। तो भाइयों, अब उजाला होने को है और शायद सबसे लेट मैं ही होऊंगा यहाँ पे, तो आप जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। हम आ गए, अरे वो डोमिनार वाले का है क्या? डोमिनार वाले का कॉल है क्या? यहीं खड़ा हो तो वो डोमिनार वाला खड़ा ही भी है। हाँ, मोड़ पे ही। तो भाई निकल गए यहाँ हापुड़ चुंगी से, पर एक दिक्कत हो गई है, पीछे स्टैंड में लगाते हुए मेरी बाइक थोड़ा सा नीचे को गिर गई थी, तो अभी वापस जाने लगे तो फिर देखा ये क्लच बहुत टाइट हो गया है। तो देखते हैं रास्ते में कोई मैकेनिक मिलता है तो करवा लेंगे इसे, वरना वायर टूटने का डर रहेगा। और जो हमारे कप्तान साहब है जो लीड कर रहे हैं राइड को, उन्हें भी मैंने बोल दिया है कि कहीं रास्ते में मैकेनिक दिखे तो रोक लेंगे। देखो कितनी दूर मिलता है मैकेनिक, तब तक जैसी है वैसे ही इंजॉय करते हैं। वो कहते हैं ना भाई कि अगर लाइफ में कुछ बुरा होता है तो उसके साथ अच्छा भी होता है, वैसे ही क्लच वायर तो मेरी थोड़ी दिक्कत कर रही है, पर अच्छी बात ये हुई कि कुछ भाई अपनी गाड़ी लाए हैं तो लगेज उसमें रख दिया है, वरना लगेज के साथ राइड करने में बहुत दिक्कत होती है,
और अभी से क्लच से हो गए मेरे हाथ काले। ग्लव्स इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि एक्शन कैमरे को फिर ऑन ऑफ करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है ग्लव्स के साथ। तो भाइयों यहाँ पे रुके थे हम असेंबल होने के लिए फिर से, क्योंकि कुछ भाई पीछे रह गए थे जैसे हम और कुछ आगे निकल गए थे जैसे ये। और इस भाई का खुला स्टैंड तो बता देता हूँ, स्टैंड खुला है। तो अब मामला सेट है, सारे भाई लोग एक साथ हो गए, अब चलते हैं यूरे करते हैं राइट। और क्लच लगभग लगभग ठीक है, लगभग नहीं भी है, खुद ही करा है। देखो मेहनत कर रहे भाई, ये मेहनत कर रहे हैं। सामने वाले भाई को थोड़ा आइडिया था कि कैसे क्या होगा, तो हो गया, वरना पता नहीं कहाँ मिलता मैकेनिक हमें। अब आगे जहाँ ब्रेकफास्ट पॉइंट है वहीं करवाऊँगा जी। और नॉइस आपको ज़्यादा आ रही होगी, विंड नॉइस, क्योंकि माइक में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा एडेप्टर ख़राब हो गया था। तो अब जैसा भी होगा देखते हैं आगे, नहीं तो एडिटिंग में ये पार्ट हटा दूँगा। अभी हम पहुंच गए हैं कोल्हापुर जस्ट मोर में, यहाँ पे बाइकें लाइनअप कर दी हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। और गाड़ी भी आ गई अपनी, पहले भटक गए थे थोड़ा, अब आ गए हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलवाता हूँ अपने क्रू से। रोड थ्रिल, हाउ इज द जोश? सारे ढीले पड़े पड़े हैं ये भाई लोग हमारे, भटक गए थे पीछे थोड़ा ये भटकाए गए थे इंटेंशनली। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई अब हो गया ब्रेकफास्ट, अब निकलते हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं पर कोई नहीं। अभी एक बस वाला बिल्कुल हमारे मुँह के यहाँ से सामने से निकला, मतलब दिल की धड़कन ऐसी बढ़ गई थी, पता नहीं कैमरे में आया होगा या नहीं आया होगा, अगर आया होगा तो आपको तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं आया होगा तो बता ही दे रहा हूँ। वेलकम टू उत्तराखंड, यहाँ से लगभग 44 किलोमीटर। ये काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे जितने भी कूड़ा फैला हुआ है यहाँ से सारा इसमें भर के डाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे कर गए हैं हम पहाड़ों में एंटर, थोड़ी है यहाँ से 105 किलोमीटर, पर हमें जाना है लैंसडाउन जो कि यहाँ से 30 या उसके आसपास ही है। तो हार्डली डेस्टिनेशन में पहुँचने में लगेगा हमें 1 घंटा, और फिर दिखाते हैं आपको जो हमने रिजॉर्ट बुक करा है वहाँ पे, और रिव्यू भी बताऊँगा कि आपको वहाँ पे स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत रिसर्च करके बुक करवाया है हमने, पर फिर भी आंखों से देखा बहुत अलग होता है। तो जैसा भी एक्सपीरियंस होगा आपको बता दिया जाएगा, बाकी आपकी इच्छा, आप आना चाहो या ना आना चाहो। ओहो ठंडी ठंडी हवाएं, मैंने कहा था ना ऊपर पहुंचते ही जिंगल वाला हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। वैसे जो मज़ा भाई पहाड़ों में राइड करने में है वो ना हाईवे में है, ना सिटी में है, ना कहीं और है, क्योंकि ये जो टर्न होते हैं ना ये होते हैं सबसे ज़बरदस्त। चाहे आप गाड़ी से राइड करो, चाहे आप बाइक से राइड करो, चाहे साइकिल से ही राइड करो, मज़ा बहुत आता है यार। मेरा बाकी पर्सनल ओपिनियन है ये, आप जैसा सोचते हो वो कमेंट्स में लिख सकते हो। हाँ क्यों चलती है पवन तनन, क्यों मचलता है मन तनन,
ना तुम ज्ञान हो ना हम टन न टन न ना तुम ज्ञान हो ना हम कॉपीराइट आएगा इसमें भैया। गूगल पे हमने वेदर चेक किया था तो मैक्सिमम जो यहाँ का आ रहा था वो 18 डिग्री आ रहा था लेंस डाउन का, और जो मिनिमम जा रहा था वो 9 डिग्री जा रहा था। तो बहुत मज़ा आने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर करूँगा, पसंद आए तो लाइक कर देना इसी बात से, और नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना और कमेंट में सजेशन दे देना बस। यार इतना प्यार करते हो तुम लोग भेड़ से तो मैं डिसलाइक के लिए कैसे बोल सकता हूँ तुम्हें, और तुम कैसे कर सकते हो, जान हो भाई तुम सब मेरी। वो नीचे लड़के और बच्चे नहा रहे हैं, पता नहीं दिखा होगा नहीं दिखा होगा, पर जिंदगी का असली मजा तो भाई यही ले रहे हैं। हर हफ्ते 10 दिन में बारिश हो जाती है, मौसम बहुत बढ़िया रहता है, आप कभी हिल स्टेशन गए होंगे तो आपने नोटिस किया भी होगा कि जैसे अगर हम ऊपर पहाड़ों से आते हैं, ओ माय गॉड देखो भाई इतनी लंबी लैंडस्लाइड, ये देखो कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी। तो ये सब भी बारिश की देन है, मौसम तो अच्छा ठंडा हो जाता है पर ऐसे डिजास्टर भी होते रहते हैं। पर भाई जो भी कहो, पहाड़ों में आके जो नेक्स्ट लेवल की पावर आ जाती है ना बॉडी में, उसकी बात ही अलग होती है। एग्री करते हो या नहीं कमेंट्स में बताना ज़रूर, एग्री करते हो तो लाइक कर देना, नहीं करते हो तो भी लाइक कर देना और कमेंट में बता देना। डिसलाइक करने के लिए मैं आपको फिर भी बोलूँगा क्योंकि इतना प्यार करता हूँ यार तुम लोगों से, और तुम भी मेरे से इतना प्यार करते हो, तो एक दूसरे को लाइक के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो रखी है शायद, जैसे हिमाचल की रोड है उत्तराखंड की रोड से मच मच बेटर है। एक तो इतनी चौड़ी रोड है वहाँ, दूसरा बनी हुई रोड है अच्छी। यहाँ पे बहुत कई कई पैचेस तो बहुत बेकार होते हैं, बिल्कुल कमर और कमर के आगे पीछे वाला सारा हिस्सा दुखा देते हैं। समझदार को इशारा काफी है, और इशारा समझ गए तो लाइक कर देना, नहीं समझे तो भी लाइक कर देना। बाकी आपको पता ही है यार मेरा व्लॉग देख के हर कोई इंटेलिजेंट हो जाता है। हे भगवान क्या मतलब, इतना मतलब क्या बोलूं यार, अपनी तारीफ के लिए तो शब्द ही नहीं होते मेरे पास। वो व्यू देखो भाई क्या जबरदस्त व्यू है, मजेदार। यहाँ से जब नदी निकलती होगी तो कितना प्यारा व्यू होता होगा। वन मोर लैंडस्लाइड, इस बार बहुत नुकसान हुआ है पहाड़ों में, बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई है। आई होप ज़्यादा किसी को इंसान को नुकसान ना पहुँचा हो या जानवर को भी, क्योंकि सामान तो हम फिर खरीद सकते हैं यार मेहनत करके, इंसान वापस नहीं आ सकता। अब धीरे धीरे वो पहाड़ों वाली खुशबू भी आ रही है, और ये खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। एक तो मैं हूँ भी पहाड़ी, तो पहाड़ की सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। 2 hours later. तो भाई फाइनली आधे दिन की राइड के बाद पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, संस्कारा एंड भाई बताएंगे संस्कारा एंड समसारा। तो इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूं, बाकी इस पूरे रिजॉर्ट का व्यू वगैरह एक बार चेकआउट कर लो। तो बस ये छोटी सी झलक अभी देख लो, बाकी कल के व्लॉग के लिए बचा के रखते हैं। तो अब यही पर ही करता हूँ लॉग आउट, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फिर मिलेंगे चलते चलते।